कैसा काम करते हैं आप लोग, चलाइए जल्दी करके, बहुत रात हो गया, सुबह हो जाएगा तो सब बर्बाद चले जाएगा, जल्दी करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, गाँव में शादी और शहर में शादी में फर्क बहुत होता है। आज हमारे पड़ोसी में हमारे एक भाई की शादी है, तो गांव की शादी किस तरह होती है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। शहर में शादी जो होती है ना, वो सारा का सारा काम भटियारा करता है, लेकिन गांव में शादी जब होती है ना, तो यहाँ पे भटियारे लोग का काम नहीं होता है, यहाँ पे काम करते हैं पड़ोसी वाले। तो फिलहाल ये है हमारे दोस्त की शादी का एक छोटा सा गेट, जो फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, और मैं आपको धीरे धीरे सामने सब कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से शादी का मंजर बना हुआ है, और जो कि किस तरीके से लोग यहाँ पे शादी मनाते हैं और कैसे पड़ोसी लोग हेल्प करते हैं लोगों की। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हल्दी के बाद वाला जो दिन होता है, वो दिन होता है दूल्हे को खाना खिलाना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हे को खाना खिलाने के लिए जो खाना है इनको सजाया जा रहा है। इसमें मिठाई है, जलेबी है, ये जलेबी है जिसको अच्छे तरीके से सजाया गया है, ये केला है। इस तरीके से खाना को सजाया जाता है और दूल्हे के सामने रखा जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे को सजाया गया और उसके सामने खाना रखा गया, और यहाँ पे जब वो खाना खिलाया जाएगा तो उसे पैसा भी दिया जाता है और साथ में कुछ खिलाया जाता है। तो ये बंगाली कल्चर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूल्हे को पैसा दिया जाता है वो पैसा यहाँ पे लिखा जाता है कि कौन कितना दे रहा है, तो गिफ्ट वगैरह भी यहाँ पे लिखा जाता है कि कौन सा गिफ्ट आया है। मैं आपको अच्छे से बता दूं कि आज का जो दिन होता है ना शादी का, यहाँ पे सारे ख़ानदान के लोग आते हैं और दूल्हे को खाना खिलाते हैं और साथ में पैसा देते हैं, ये रिवाज है, समझे। पटन सलाद दे हाँ बंदरा। हाय गाइस, कैमरा ऑन ही कोई नहीं हूँ। हाय गाइस, हाय गाइस। हिंदी तो बोल भी क्यों, बांग्ला बोल नहीं। मैं बोल हिंदी बोल दूँ, एक्टिंग हिंदी बोल दूँ। मेरे गांव का शादी है। छोटा भाई बड़े भाई के साथ मजाक कर रहा है, यहाँ पे भाई को 1 रुपया दे रहा है, तो भाई अभी 1 रुपया ले रहा नहीं है, बोलता है कि मुझे 100 रुपया दे तब मैं खाना खाऊंगा। तो छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ मजाक कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। ये है गांव की शादी यार, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। ये मेरा गाँव का ब्लॉगर है। हमारा बाखोल का लोग है, ये हमारा फटीक भाई है, फुल फटीक। दोस्तों, आज के इस दिन में क्या होता है पता है, कि दूल्हा जो है ना अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मजाक करता है, और दोस्त जो है वो भी दूल्हे के साथ काफ़ी मजाक करता है। तो आज के दिन पे ना बहुत ही आपस में प्यार मोहब्बत से शादी का ये जो मंजर आप देख रहे हैं ना, काफ़ी प्यार मोहब्बत से चलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शादी का आज दूसरा दिन था और आज का रस्म आपने देख ही लिया, तो यहाँ पे होता है रस्म। देखिए के आगे लफाज से रही हो। दोस्तों, आज है शादी का तीसरा दिन और अभी आप देख रहे हैं बारात जा रही है। ये है शादी का मंडप का गेट, और यहाँ पे रखा गया है शरबत, ये भी एक रस्म है, आप देखते रहे आगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 गिलास हैं, और इन 6 गिलास में से 1 गिलास जो है वो मीठा शरबत है। अब दूल्हे को यहाँ पे जज करना होता है कि कौन सा शरबत मीठा है। अगर दूल्हा मीठा शरबत पी लेता है तो जीत जाता है दूल्हा, और अगर नमकीन पी लेता है तो फिर हार जाता है। उसके बाद सालों की डिमांड करनी पड़ती है।
उसका बुरा दिन शुरू हो गया। कौन सा दिन शुरू हो गया? बुरा दिन। وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلى أن بدأت ترى أنفرغتو دلوا أجرام جاسي সে নুরজামান সাহেবের প্রথম কন্যা মোসাম্মদ নার্গিস খাতুন হাজির মহর 32,000 টাকা আদায়ে দুজন একজন উকিল দুজন সাকির উপস্থিতি সে আপনাকে নিজ স্বামী বলে গ্রহণ করেছে তাকে আপনি নিজ স্ত্রী বলে কবুল করছেন আলহামদুলিল্লাহ কবুল করেন বীরভূম জেলা ইলামবাজার থানার অন্তর্গত দেলোয়া গ্রাম নিবাসী শেখ নুরজামান সাহেবের প্রথম কন্যা মোসাম্মদ নার্গিস খাতুন ধারিত মহর 32,000 টাকা আদায়ে একজন সাক্ষী এবং একজন উকিল দুজন সাক্ষীতে সে আপনাকে নিজ স্বামী হিসেবে কবুল করেছে তাকে আপনি নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন আলহামদুলিল্লাহ কবুল করেন বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামা বাইনাকুম ফি খাইর জুম করে করলে আরে খালি না ফোন ফোন চলে না
अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा है, बहुत गर्मी है, खाना अच्छा है लेकिन बहुत गर्मी है। Hi guys, খাবার নষ্ট করেছে সব পক্ষে ভাগ দিকে আমাদের মন্টু ভাই দাঁত ফুটাচ্ছে, ছোট গাড়ি তো হয় নাই কাবাবে কাঠি দিয়েছে। খানা আচ্ছা হ্যাঁ লেকিন বহুত গরমি হ্যাঁ নানা বটে রমজান নানা এদিকে বন্ধুর জন্য বিয়ে কোথা দিয়ে চলে এসেছে বন্ধু বিয়ের জন্য अभी मैं सामने जाऊंगा ना तो सब मेरे को व्लॉगर व्लॉगर करके ना चिढ़ाएंगे। गांव वाले बहुत ही मेरे साथ मजाक करते हैं। सामने आप देख सकते हैं शादी का क्या मंजर है। और यहां पे मैं आपको बता दूं सारे गांव वाले जो है ना पड़ोसी वाले सब एक साथ हो जाते हैं और एक साथ काम करते हैं और यही मज़ा आता है कि सब एक साथ काम करते हैं और खुशी करते हैं ना, ये गाँव की लाइफ सबसे अच्छी होती है। फिलहाल यहाँ पे कल वलीमा है तो कली होली माई सब जी खैरुल भाई क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम है लहसुन छिल रहा हूं, लहसुन छिल रहा हूं। ये हमारे गांव में सबसे मतलब अच्छा हिंदी बोलने वाला, अच्छा हिंदी बोलने वाला। अरे ये लोग नहीं जानता है। आप हिंदी कहाँ से सीखे हैं? फिलहाल यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हाँ वो हाट में घूम तो यहाँ पे अभी ना पूरी बना रहे, छोले भटूरे कल नाश्ता होने वाला है, छोले भटूरे, तो उसके लिए यहाँ पे अभी पूरी तलने का इंतज़ाम हो रहा है। मुझे लगते हैं मैं गोड़ दिले मदन मुख गोड़ अभी मुख गड़ी सब इतनी की कुछ हाँ अरे सब भेज तुम्हें कौन भाला है जो बोलो हाँ लुच्ची गोल को तो तुम्हें कौन मजा आया जो बोलो तुम्हें रोज स्पीड बेल्ट पड़ो हाँ तुम्हारे पोस्ट में कुछ अरे चलाइए ना जल्दी करके चलाइए ठीक है चलाइए जल्दी करके चलाइए बंगाली में जब खुशी था तो हिंदी बोले चलाइए बहुत रात हो गया अरे बाप रे कैसा काम करता है आप लोग चलाइए जल्दी करके बहुत रात हो गया सुबह हो जाएगा तो सब बर्बाद चले जाएगा चलाइए जल्दी करके काम आदमी का खूब जरूरत है इसलिए हम करता है समझा आप बंगाली आदमी नहीं समझता ऑफिस चालू
আবার চালু হয়ে যাবে তাহলে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না কে কোথায় ও টাচ করে হয়ে যাবে কানা বেগুনের গল্প শুনতে পাবে দাঁড়া ঠিক আছে দিন দেখবে তোমরা কানা বেগুনে পড়ে দিয়ে দিছে তোমরা এই পুরি গেল তো অনেক ভালো হয়েছে একটা ডাব করে দিয়ে দেখো जैसे कि दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं रात के एक बज रहे और रात के एक बजे गांव का माहौल क्या होता आपको पता ही है, लेकिन शादी के टाइम पे ना गांव में भी इस तरह खुशियां मनाते हैं। रात में सारे के सारे पड़ोसी जो है जाग जाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। कल वलीमा है तो खाना पीना जो है रात से ही बनाना चालू हो जाता है। লোকের কথা শুনলি কি ঠিক আছে বর্ষা ছাড়বে বেশি করে দেবে হ্যাঁ দাও যা ঢুকলো এটা দেওয়া হবে তো।